करते रोड पे दौड़ा। नमस्ते मेरे प्यारे सभी बड़े भाइयों को, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस सुबह के बज रहे हैं 6:47 और गाइस हम लोग जा रहे हैं एक राइड पे, और जो राइड है वो होने वाली है भगदरी फॉल की। और गाइस जैसे कि आज गणेश चतुर्थी चल रहे हैं तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो जगह राइड पर जा रहे हैं वो भगदरी फॉल आपको बताई दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले मीटिंग पॉइंट और बाकी बात सीधे वहीं चलते करते हैं। गाइस जो कि राइड है जो चालू हो चुकी है, देखिए जरा हवा इस साल से कहाँ आसपास का घूम लो भी अपना फ्रेंड और आ रहा है अपना, इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं इंतज़ार। वो निकल चुका है गाड़ी लेके, पर लगाते हैं गाड़ी साइड में। गाइस थोड़ी हल्का हल्का सा पानी भी आने लगा है तो लगाते हैं साइड पे, रुकते हैं तो वो आता है भाई। ओ एंड घुसने लगा स्टैंड इसका। खड़ा किया था नीचे, घुस गया स्टैंड मिट्टी में बेचारा। देख सकते हैं असली मिट्टी पे कभी गाड़ी मत लगाइएगा नहीं तो गिर जाएगी, टूट जाएगी। वो देखो अंकल कुत्ते भगा रहे। वाह वाह अंकल क्या भगा रहे कुत्ते, वाह वाह ऑटो। भाई फाइनली RC 390 भी आ गई है और राइट अपन चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई फटाफट, पूरे कपड़े हाथ पाँव में मिट्टी लग गई है, देख सकते हैं पूरी मिट्टी मिट्टी गाड़ी हो गई है। आराम चल रहे हैं
आंटी भी आ गई है और हम भाई के लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, साहिल भाई का वेट कर रहे थे। चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग बगदरी पहुंच ही गए हैं। बगदरी के जस्ट पहले गाइस पानी बहुत तेज गिरने लगा था, इसी कारण वो एक सेट पे छुप गए होंगे। आके कि भीगे ना, जब भी हम लोग आता था तब सामने से भीगे गए हैं, लेकिन गैजेट्स जो अपने होंगे वो भीगे ना, मोबाइल वोबाइल कैमरा होगा, इसके लिए हम लोग एक तो सेट में छुपे हुए हैं। जैसे पानी बनेगा गाइस सीधे पहुँचते हैं बगदरी, आपको वीडियो दिखाते हैं। गाइस वाइस फाइनली हम लोग बगदरी फॉल पहुँच चुके हैं और गाड़ी हम लोग पार कर दी है लाइन से, अब यहाँ से नीचे जा रहा हूँ मैं। बहुत तेज डर लग रहा है गाड़ी भाई, अपने स्केट लग रहे हैं और आपको चलिए फॉल दिखाते हैं। और कुछ और ये नीचे पहुँचते ये वाली साहब
मुझे क्या तो भाई सच में बहुत फाल लो पा रहा है, ज्यादा आगे नहीं जाना बे। देख सकते हैं साहिल भाई कैसा लग रहा है, साहिल भाई मजा आ गया साहिल भाई। और चलते हैं आपको यहाँ से दिखाते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो घूमने लायक बहुत ही अच्छी है, लेकिन गाइस यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरा ये खाई है। आप जैसे कभी भी यहाँ पर वाटरफॉल घूमने के लिए आते हैं तो आप अपने साथ कोई भी बच्चों को चाइल्ड को लेके मत आइए इस जगह पर, इनके लिए बहुत रिस्की है क्योंकि कोई सेफ्टी की सुविधा नहीं है। हल्की से हल्का सा कुछ पैर स्लिप होगा और सीधे वो खाई में गिर जाएगा। इस वाटरफॉल तो बहुत ही गजब का है और आपको यहाँ आ सकते हैं जबलपुर से, मेरे घर से मेरे को 63 किलोमीटर्स पड़ा है। एंड आप सिटी से ही आएंगे, मेन सिटी से जबलपुर में तो आपको 63 किलोमीटर्स पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्जॉय करिए लेकिन सेफ्टी के साथ इन्जॉय करिए कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कभी भी आप आइए बहुत सेफ्टी से, दूर से ही आप देखिए क्योंकि पानी के कारण पत्थरों में काई लग गई है, इसके कारण बहुत तेज पैर स्लिप कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस पसंद आई है तो देखो खुशी के मारे अपन थक गए हैं बेचारे, और बेचारे के कारण लोग की शक्ल देखो कैसी हो गई है। अब यहाँ से एक जाते साथ एक चाय पियेंगे, इसके कारण थोड़ी ताजगी सी आएगी। और मैं आपको बता दूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। गाइस जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और बाइक की वीडियो के साथ। साहिब भाई एक RC 390 इसकी वीडियो भी अपने चैनल में बहुत ही जल्द आएगी। चलिए गाइस बाय बाय गाइस बाय।